वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है भाई, इसमें हमने जो पिछले लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था कि जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसका यूज़ हम कर सकते हैं किसके लिए, हम यूनिट कन्वर्जन में कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं पिछले उसमें, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं आज। देखिए, पहला जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 न्यूटन इंटू, हम इसको कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है डाइन, इसकी क्या है सीजीएस यूनिट, क्या है यदि हम इसमें देखें कि न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, और एमकेएस सिस्टम में भी भाई यही होगी वैल्यू हमारे पास। और जो डाइन है इज सीजीएस यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो फर्स्ट सिस्टम है, सो फर्स्ट जो यूनिट है इज इन, हमें किस में लेके चलनी है भाई, वो एम के एस या एस आई में। और जो सेकंड है वो किस में लेके चलनी है, सी जी एस में। किस में लेके चलनी है, वो सी जी एस में। अब हम देखें कि जो एम वन है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, जो यूनिट है वो किस में होगी भाई, किलोग्राम में। फर्स्ट यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट हमें दे रखी है। और जो L1 है वो किस में होगा, MKS में। लेंथ किस में होती, मीटर में। और जो टाइम है वो किस में होगा, सेकंड में। और यदि हम बात करें सेकंड सिस्टम की, जो सेकंड यूनिट हमारी, वो उसमें CGS सिस्टम में मास किस में होता है भाई, ग्राम में। और लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं अलग अलग कि मास किस में होगा और जो वैल्यू है वो किस में होगी। अब यदि हम देखें एफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, मतलब ए की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, T की वैल्यू माइनस 2। अब यदि हमें निकालना क्या है भाई, एक N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 पढ़ा था, N2 हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू N1। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 1 न्यूटन है ना, तो N1 कितनी लेनी है, 1। N2 हमें फाइंड आउट करनी, U1 और U2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ क्या है यूनिट, फर्स्ट बताना भाई क्या है उधर, देखो इसमें है किलोग्राम अपॉन ग्राम, इसकी पावर 1। फिर क्या है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसकी पावर -2। यही तो था फॉर्मूला भाई हमारे पास, क्या था, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2, इसकी पावर क्या होती थी, A। और L1 अपॉन L2, इसकी पावर B। T1 अपॉन T2, इसकी पावर इसकी पावर क्या होती थी, C। आ गया यहाँ तक भाई। अब इसमें देखिए जो वैल्यू है, किलोग्राम से ग्राम तो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता है क्या, N1 की वैल्यू कितनी, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, 100 अपॉन 100 सेंटीमीटर, मीटर को लिख सकते हैं अपॉन सेंटीमीटर, और ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, इसकी पावर भी 1। अब देखिए ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर,
कैंसिल हो गया, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी सेकंड है वो कितनी आई है भाई, 10^3 तो ये और 2 ये कितनी आई, 10^5 कितनी आई है। एन वन कितना था भाई, 1, यूनिट क्या थी फर्स्ट न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई सेकंड, 10^5, यूनिट क्या लेनी है इसमें डाइन, ये आपको बता ही रखा है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई हमारे पास, 10^5 डाइन के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार आप कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो दे रखा हो उसके अंदर आपको देखने यूनिट किस में, ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन थी, सीजीएस यूनिट क्या है डाइन है। अब फर्स्ट सिस्टम हमने लिख लिया, एम वन की वैल्यू क्या है, एल वन की क्या है, टी वन की क्या है, ऐसे एम टू जो सेकंड है उसमें लिख लिया, मतलब ये वैल्यू एक तरीके से किसकी हमारी भाई, यू वन की, और ये किसकी यू टू की, यू वन और यू टू की वैल्यू हमने लिख ली ग्राम जो भी था। उसके बाद हमने क्या करना, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के बाद हमें ए बी और सी की वैल्यू पता लग जाएगी। फिर हमें इक्वेशन कौन सी लेके चलनी है भाई, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, एन टू हमें फाइंड आउट करना होता है, बाकी हमें दे रखा होता है, इसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भाई, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। ठीक है भाई, अब ये क्या है, जूल इज यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम एंड आर्ग इज यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीए सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो यू वन है वो किस में लेके चलना है हमें, एमकेएस या एसआई में, और जो यू टू है वो किस में लेके चलना है, सीजीएस में। ठीक है, इसमें हमें लेके चलना होता है। अब आपको पता ही है ये मैंने लिख रखा यूनिट, यदि फर्स्ट हमारी एम के एस में या एस आई में हो तो इस तरीके से लिखना है, सी जी एस में हो तो सेकंड इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक, अब आते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले पे, क्या होगा भाई वर्क का, एम वन एल टू टी माइनस टू किसके इक्वल होगा, वो एम वन एल टू टी माइनस टू, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू माइनस टू, सॉरी सी की वैल्यू माइनस टू, ये हमने लिख ली। ठीक है, सोल्व करें अब इसको भाई, लेके क्या आना है भाई, एन वन की वैल्यू कितनी है 1, यू वन की कितनी है जूल, और U2 कितना अर्ग, N2 हमें फाइंड आउट करना है, इक्वेशन किस में पुट करेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, देखिए अब इसमें N2 इज इक्वल टू U1 की वैल्यू कितनी है भाई 1, M1 कितना है किलोग्राम अपॉन ग्राम पावर 1 इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2 सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर माइनस 2, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर पावर 2
ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ग्राम से ये तो हट ही जाएगा। क्या बचा हमारे पास, टेन रेज टू पावर 3 इंटू टेन रेज टू पावर 2 है, लेकिन 2 का स्क्वेयर टेन रेज टू पावर 4। एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, टेन रेज टू पावर 7। कितनी आ गई, टेन रेज टू पावर 7। तो एन टू हमारा आया है भाई टेन रेज टू पावर 7। तो इक्वेशन में यदि हम रखें इसको तो क्या वैल्यू आ जाएगी कि 1 जूल इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर 7 आर्क, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी इसकी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं, लेकिन दोनों ही जो आपको एग्जाम्पल करवाए हैं दोनों के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए स्पेशली, और दोनों ही पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू।